नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भव्य आचार्य मिलन एवं सम्मान समारोह दिनांक 25 दिसंबर 2022 स्थान श्री दत्त मंदिर संस्थान E4 अरारा कॉलोनी भोपाल में आयोजित होगा। इसी कार्यक्रम के बारे में चर्चा हेतु भोपाल में दिनांक 15 दिसंबर 2022 को मीटिंग सम्पन्न हुई। आचार्य सम्मान समारोह महोत्सव की तैयारी में जल्द दूसरी मीटिंग विधायक विश्राम गृह में सम्पन्न होगी। श्री महाकाल नर्मदा जन कल्याण समिति आचार्य सम्मान समारोह महोत्सव मीटिंग में ब्रह्म समागम के अध्यक्ष पंडित धर्मेंद्र शर्मा, पुजारी शाखा के अध्यक्ष पंडित देवेंद्र दुबे, वरिष्ठ ज्योतिष आचार्य पंडित मनोज दीक्षित, पंडित धर्मेंद्र दुबे, वैदिक आचार्य पंडित सीताराम शास्त्री, पंडित ब्रज बिहारी तिवारी, पंडित अवध बिहारी, शाहपुरा हनुमान मंदिर पुजारी पंडित अभिषेक दुबे, पंडित जितेंद्र शर्मा एवं समस्त सहयोगी बैठक में शामिल हुए। पंडित धर्मेंद्र शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ब्रह्म समागम के कल्याण समिति। हम लोग शहर में विगत वर्षों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम आचार्य सम्मान करें। आचार्य सम्मान में एक अनोखा सम्मेलन हो रहा है जिसमें कि 8 राज्यों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे वैदिक आचार, ज्योतिष आचार, भागवत आचार, इन सबका एक हम समागम करेंगे और सबको एक साथ मिलाने का एक बड़ा अच्छा वो है। और दूसरा क्या हो रहा है, सरकार सब लोगों के सब पैसे बढ़ा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के जो कार्यक्रम चलते हैं, वैदिक पूजा पाठ होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, भागवतें होती हैं, इनके रेट वहीं के वहीं हैं। तो हम निवेदन करेंगे कि सरकार ऐसा कोई प्रावधान लाए जिससे कि हम लोगों की भी थोड़ी आर्थिक मदद मिले और हम लोगों को सरकारी जो सुविधाएँ मिल रही हैं उनका भी लाभ मिले और पंडितों के सब पूजा पाठ के रेट करें। कितने लोगों का सम्मान हो गया इसमें? हमने क्या किया कि 251 लोग टोटल हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग परिपाटी बना दी है, जिसमें 51 भागवत आचार्यों का सम्मान कर रहे हैं, 51 वैदिक आचार्य हैं, 51 ज्योतिष आचार्य हैं। और इसके अलावा जो हमारे बड़े समाज सेवी हैं और हमने गोपनीय रूप से 8 राज्यों से जिनने ब्राह्मण समाज के लिए काम किया है उनका गोपनीय सर्वे करके ऐसे हम प्रदेश अध्यक्षों का 5 लोगों का सम्मान करेंगे, जो कि हमने पूरा गोपनीय रखा है पूरी प्रक्रिया। और उसमें वरिष्ठ समाज सेवियों के अलावा जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, तो 11 पत्रकारों का हमने समिति द्वारा हम अभी सर्वे चल रहा है, 11 पत्रकारों का भी हम सम्मान करें। सर कहाँ पे होगा ये आयोजन? ये आयोजन भोजपुर क्लब के सामने श्री दत्त परिसर है, दत्त मंदिर कहलाता है, उसी में पूरा आयोजन संपन्न करेंगे। वहीं पर रुकने की व्यवस्था है ब्राह्मण देवताओं की, वहीं पर भोजन की व्यवस्था है एवं वहीं पर सम्मान समारोह होगा। सर कब हो गया सम्मान समारोह? ये 25 दिसंबर को सुबह 10 बजे प्रातः डिप्लेस होगा और इसके 4 सत्र चलेंगे, 10 से 1 सत्र होगा, फिर इसके अलावा 2 से 3 में 1 सत्र होगा और 4 से 6 में 1 सत्र होगा। लास्ट समापन हम इसको 7:30 बजे करेंगे। तो आध्यात्मिक चर्चा भी होगी इसमें? इसमें भारतीय सनातन संस्कृति के अभ्युत्थान लोक कल्याण हेतु हम लोगों की विचारधारा है और हमेशा धर्म के मार्ग पर लोग चलें, ये वहाँ पर एक संदेश हम लोग सब लोग मिलकर देंगे। जी सर, जो सम्मान समारोह होने जा रहा है क्या तैयारी है इसकी? सबको जय श्री राम। मध्य प्रदेश और 8 राज्यों से भाई साहब ने जो बताया है, सब लोग हमारे वैदिक आचार्य हैं जो इस मंदिर में सब में रुचि रखते हैं, उनको हमारी संस्था सम्मानित करेगी, पत्रकारों को सम्मानित करेगी और जो समाज के वरिष्ठ हमारे समाज में जो दायित्व निभाते हैं और हम लोगों को आगे ले जाने का मार्ग दिखाते हैं, उन सबका सम्मान करेगी। इसको हम लेकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सबको जय श्री राम। पंडित जी आज बैठक थी, क्या बैठक का उद्देश्य था? बैठक का उद्देश्य मंदिर प्रांगण में यह रखा गया है कि 25 दिसंबर को आचार्य सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है मिठल मार्केट में, उसमें समस्त ब्राह्मणों को आना अनिवार्य है एवं उसमें कैसे कैसे कार्य किया जाना है उसकी गतिविधियों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अशोक भरद्वाज जी आपके सामने हैं, वो आपको प्रस्तुत करेंगे आगे क्या आयोजन किया जा रहा है। नाम बता दीजिए। अरे इतनी जल्दी में खड़ा करो। फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हेडलाइन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।